आज बात करेंगे कार्तिक माह की। कार्तिक माह प्रारंभ हो गया है और इस कार्तिक माह में आप सभी बड़े प्रेम से दीपक जलाकर सुंदर सी नदियों में दीप दान करते हैं। कार्तिक के माह में दीप दान करने की बहुत महिमा है। जैसे दीपक सबको प्रकाश देता है, ऐसे जब आप दीप दान करते हैं तो आपके जीवन में भी नई ऊर्जा, नया प्रकाश आपके जीवन में होता है। साथ ही इस महीने में स्नान करने की, तीर्थों में जाकर स्नान करने की विशेष महिमा है। स्नान कहा जाता है कि एक राक्षस वेदों को चुराकर इस कार्तिक माह में ही उसने पानी के भीतर, जल के भीतर वेदों को छिपा दिया। तो कहा जाता है इस कार्तिक माह में जब हम स्नान करते हैं तो हमें वह वेदों की दिव्य पॉजिटिविटी उन नदियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है, एक सकारात्मकता हमें प्राप्त होती है। इसलिए स्नान करने की बड़ी महिमा है तीर्थों में कार्तिक के माह में। साथ ही दान, दानम दुर्गति नाशनम, जीवन में कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। किसी को अन्न दीजिए, किसी को पानी दीजिए, किसी को वस्त्र दीजिए, किसी को जूते और चप्पल पहनाकर उनके पाँव में उनका कष्ट हर लीजिए। जब आप किसी का कष्ट हर लेते हैं तो विधाता आपका कष्ट हरने के लिए अपने हाथों को बढ़ा देते हैं। तो आपको चाहिए कि इस कार्तिक माह में स्नान दान इत्यादि करके आप इस माह को पावन करें। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा होती है। कार्तिक माह को भगवान श्रीमन नारायण का ही स्वरूप माना जाता है, तो भगवान की आराधना इस माह में होती है। आप सब लोग बड़े प्रेम से भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करें और किसी नदी के तट पर, किसी जलाशय के तट पर तीर्थों में जाकर भगवान का ध्यान करिए। भगवान कैसे मिलते हैं? ध्यान के मार्ग से। थोड़ा सा समय निकालिए, चूँकि आप लोगों के पास समय तो होता नहीं है, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और आँखों को बंद कीजिए और आँखों को बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए। जब आप संसार से हट जाएंगे और ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे तो एक पॉजिटिविटी, जैसे मोबाइल चार्जर से जब जुड़ता है और चार्जर से कनेक्ट होते ही मोबाइल यदि डिस्चार्ज है तो वो एनर्जी से भरने लग जाता है, मोबाइल बैटरी उसकी अच्छी होने लग जाती है। और मोबाइल बंद था, अब चालू हो गया, अभी काम नहीं कर रहा था, अब काम करने लग गया, क्योंकि उसे पावर मिल गया। जब पावर मिल गया तो मोबाइल के सारे फंक्शन एक्टिव हो गए। उसी तरह हम सब पावर कहाँ से पाते हैं? भगवान से पाते हैं। इसलिए भगवान से पावर कैसे मिलेगा? जब आप अपने मन को भगवान से कनेक्ट करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट करेंगे तो जीवन सुखमय होगा। ईश्वर से कनेक्ट करने से ही आपका जीवन बदलेगा। अभी तक आप भगवान से कनेक्ट ना होने के कारण ना एक परेशानियत से घिरे हैं, परेशानियों से एक चिंता, एक तनाव आपने पाल रखा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से जुड़े नहीं हैं। वो सारे प्रकाश के जो स्रोत हैं, जहाँ से पॉजिटिविटी आनी चाहिए, सब ढके हुए हैं। इसलिए इस कार्तिक के माह में आप थोड़ा भगवान से जुड़ें, आप आनंद लें भगवान के चिंतन का। राधे राधे। आज का उपाय, आप रोज आसपास कोई जलाशय है, नदी है, तालाब है तो जाकर के स्नान करें और प्रेम पूर्वक सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्याय नमः कहते हुए, आदित्याय नमः कहते हुए बड़े प्रेम से आप भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का स्मरण करते हुए बड़े प्रेम से इस मंत्र का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपके जीवन में आने वाला संकट भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दूर होगा जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे। तो आप मंत्र का जाप करते हुए भगवत चिंतन में डूबे रहें। राधे राधे। आज का विषय, एक बार माता यशोदा भी कार्तिक माह में दीप दान करने गईं। जब माता यशोदा दीप दान कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण कुछ दीपक को, जो नदी में बहते हुए जा रहे थे, कुछ दीपकों को भगवान श्री कृष्ण उठाकर किनारे रख रहे थे। मैया यशोदा बोली, कन्हैया
ये तू क्या कर रहा है? कन्हैया मुस्कुराते बोले, मैया मैं बचा रहा हूँ, किसे बेटा? डूबते हुए को। भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ मैं डूबते हुए दीपक को बचा रहा हूँ। मैया यशोदा बोली कि लाला, इतने सारे दीपक बह रहे हैं, लाखों दीपक बह रहे हैं नदी में, दीपदान लोगों ने किए हैं, तुम किस किस को बचाओगे बेटा? तब मैया यशोदा से कन्हैया ने कहा, माँ जो मेरे पास से गुजरता जाएगा मैं उसे बचाता हुआ चला जाऊँगा। अर्थात जो भगवान के सानिध्य में है, जो भगवान की शरण में है, भगवान उसे तो बचा लेंगे, और जो भगवान से दूरी बनाए बैठा है भगवान उसे नहीं बचाते। इसलिए भगवान के करीब आइए। दीपदान की महिमा है कि जैसे दीपक हम सबको प्रकाश देता है, ऐसे आप भी जब दीपदान करते हैं ना कार्तिक माह में, तो आपके जीवन में भी खुशियों का प्रकाश होता है। आप रोशनी से भर देते हैं उस नदी को, तो आपके जीवन में भी खुशियों की रोशनी भर जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा भी दीपदान करती हैं, आप भी दीपदान करके इस कार्तिक माह में, माँ भगवती लक्ष्मी का दिन है आज, आज आप सभी लोग माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना करें, माँ लक्ष्मी जी से जुड़ें, माँ लक्ष्मी जी को ध्याएं, माँ लक्ष्मी जी की वंदना करें, माँ लक्ष्मी जी से कहें कि हे माँ हमारे जीवन में कृपा की बरसात कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, ताकि हम दीन दुखियों की सेवा करते रहें। जैसे कि गौरी गोपाल आश्रम में असहाय दीन दुखी लोगों की अखंड सेवा होती रहती है, तो गौरी गोपाल भगवान की कृपा से जैसे यहाँ कोई भूखा नहीं जाता गौरी गोपाल के द्वार से, आपके यहाँ भी यह नियम होना चाहिए कि रोज़ सुबह उठकर कम से कम किसी एक भूखे को तो भोजन कराएंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। जब आप इस तरह के कार्य करेंगे तो भगवती प्रसन्न होंगी और आपका कार्तिक माह आपको बहुत सारा फल दे करके जाएगा, बहुत सारा धन धान्य देकर जाएगा, सुख शांति और समृद्धि देकर जाएगा। राधे राधे।